Curitiba. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका सोशल जानवरों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के एक न्यू अपडेट के साथ फिर हाजिर हुए हैं। ये अपडेट उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही खास है जो मेरे दोस्त सऊदी अरब में रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अब टाइम पे एकामा रिन्यू नहीं करवाते हैं, यानी आपका एकामा का जो टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है, आप उसके बाद आप एकामा रिन्यू करवाते हैं, तो आप पर 500 रियाल का जुर्माना होता है फर्स्ट टाइम में। दोस्तों, अगर आप यही गलती दोबारा करते हैं, यानी आपका दोबारा में आपका एकामा ख़त्म हो जाता है और आप टाइम पर रिन्यू नहीं करवा पाते हैं, आप टाइम ख़त्म होने के बाद रिन्यू करवाते हैं आपका एकामा, तो आपको दोबारा में 1000 रियाल जुर्माना होता है। दोस्तों, अगर आप यही गलती तीसरी बार करते हैं तो आप पर 1000 रियाल का जुर्माना होगा और साथ में आपको खुरच लगवा दिया जाएगा, जिससे आप कभी भी सऊदी अरब नहीं आ सकते हो, यानी आपको सऊदी अरब से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, और आप अगर एकामा के बिना कहीं बाहर जाते हैं, यानी आपके पास एकामा है और आप एकामा घर पर भूल गए, रूम पर भूल गए और आप कहीं बाहर चले जाते हैं, आप उस दौरान चेकिंग में पकड़े गए, यानी आप चेक हो जाते हैं और आपके पास एकामा नहीं होता है, तो आप पर 3000 रियाल का जुर्माना होगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं जाते हैं तो आप अपना एकामा साथ में लेके जाएं, आप अपना एकामा रूम पर या कहीं पर भी ना भूलें, आप अपना एकामा साथ में हमेशा रख कर ही बाहर निकलें, और आपका एकामा ख़त्म होता है तो आप टाइम से पहले अपने एकामे को रिन्यू करवा लें, ताकि आप पर यह जुर्माना ना हो, ताकि आपको कभी भी आपको यानी सऊदी अरब से ना निकाला जाए इसके लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले थे, तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी और हमारी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।